हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे हैं और सेफ हैं। ये जो COVID-19 की बीमारी आई है, ये सच में हिला देने वाली है और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट इनिशियल कुछ दिन तक तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले 10-15 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं, कुछ भी कहना अब प्री मेच्योर है कि भाई क्या होगा। और हो सकता है कि फ्यूचर भी हमारा जो है, जो अभी जैसा है वैसा नहीं रहे, हमारा खान पान रहन सहन सब बदल जाए। अभी की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर बाड़मेर जो है काफ़ी सेफ जोन में आता है। उसमें जो जो ये वायरस है वो इतनी आसानी से स्प्रेड होने के चांसेस दिखते नहीं हैं ईयर टू ईयर, लेकिन फ्यूचर कुछ भी नहीं कह सकता। हल्का सा क्लाइमेट चेंज और एवरीथिंग यू नो। सो आप लोगों को अपनी सावधानी के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आज का वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं आपको इस COVID-19 से, जो आपके जीवन में, स्टूडेंट्स के जीवन में जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करूं, और दूसरा ऑनलाइन स्टडी के लिए क्या प्लान बना है उसके लिए, उसको लेके अपडेट करूं। तो पहली बात करेंगे मैं कि भैया, ये जो COVID-19 है उससे आपके जीवन में इम्पैक्ट क्या होने वाला है? तो भैया, इसका इम्पैक्ट तो ख़राब होने वाला है, ये तो 3 साल का बच्चा भी बता रहे हैं। लेकिन 3 साल का तो नहीं, 8 साल का, 6 साल, 7 साल का बच्चा बता देगा। लेकिन कैसे इम्पैक्ट खराब होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि भैया, जब से ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है और एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हुए, उसके बाद में निरस्त हो गए, तो उससे क्या है कि जो बच्चों में खुशी की एक लहर खासकर मन में आई, क्योंकि अब उनको जो जजमेंट करते थे एडल्ट्स और दूसरे फेलो स्टूडेंट्स सीनियर्स, वो जजमेंट अब नहीं कर पाएंगे। उनको किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का अप्रूवल उनको लेना नहीं पड़ेगा। अब वो उस चीज़ से तो फ्री हो गए इस साल। सो ये चीज़ उनके लिए बड़ा दुखदायी होने वाला है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी सक्सेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। कहने का ये मतलब है कि जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उस एज में, उस उम्र में, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना ज़्यादा सक्षम होगा वो आगे उतना ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमको हमको जो समझ में आता है कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो, चाहे एज ए टीचर हो, चाहे एज ए एम्प्लॉय हो, चाहे एज ए फैमिली पर्सन हो, पेरेंट हो, या फिर एज ए एंटरप्रेनर हो, मतलब कि बिजनेसमैन, जो अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाता है, वो तो भाई सफल हो गया ही होगा। अब जैसे आप स्टूडेंट्स हो, अगर बोला कि भाई पढ़ाई करो, आपको असाइनमेंट दे दिया, आपको समझा दिया, आपको पढ़ाया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि पढ़ना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो भैया आपका भला होगा, यू विल परफॉर्म वेल, यू विल अंडरस्टैंड वेल, यू विल अचीव द फ्रूट, आप बाद में बनेंगे कुछ आईएएस आईएएस। और अगर जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो भी आपको पता है क्या बनेंगे आप। सो ये तो आपको पता पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्पॉर्टेंट। अब होता ये है कि जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, हमारे पेरेंट्स हमको ब्रॉटअप करते हैं, और हमारे जो रिश्तेदार हैं, सोसाइटी है, उसमें जो सिस्टम है बड़ा करने का, उसके हिसाब से जो हम ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं,
उससे हमको हमारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और हम अपनी जिम्मेदारियों को का पालन करना सीखते हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन है इसमें हमको जिम्मेदारी से बचने का जो एक मौका मिला है अनफॉर्चुनेटली, और जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, उसके अंदर जब हमको एक तरह का खुशी मिली है कि भाई ये चीज़ जो है और ये चीज़ भी आने वाले बदली, तो उसकी वजह से एक डेवलप होगा एटीट्यूड, वो होता है एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से बचने का भावना। और ये अगर हैबिट बन जाए बच्चों के अंदर, जो टीन्स खास करके बच्चे हैं, तो भैया उनके लिए भविष्य बहुत अंधकारमय हो सकता है। और दूसरा बड़ा नुकसान जो है वो चिल्ड्रंस को है, क्योंकि वो तो इतने समझदार होते नहीं है कि उनको पता पड़े कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है 40-50 दिन का लॉकडाउन है या हो सकता आगे बढ़ जाए, तो वो जो जिम्मेदारी डेवलप करने वाला एटीट्यूड होता है एक टाइम टेबल के तहत आता है उसके अंदर, वो चीज़ मिसिंग होने की वजह से अब उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होने के इश्यूज थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। करना क्या है? वेल, पूरा तरीके से तो इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने अप्लाई किया है और जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि भैया एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। जो मैंने किया है अपने वेट रिड्यूस करने के लिए, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि मेरा वेट 68 होना चाहिए, आइडियली मेरा वेट ज़्यादा था और लॉकडाउन होने के बाद में मैडम ने खाना भी अच्छा अच्छा बनाया है, क्योंकि दिन में कोई काम नहीं होता था ज़्यादा, तो उन्होंने नई नई डिशेज बनाई। अब उसमें मुझे दो चीज़ें करनी थी, एक डिशेज पे कंट्रोल रखना, नहीं खाना, कम खाना, और दूसरा एक्सरसाइज डबल करना है, और मैंने किया और मैंने अपना 68 वाला मार्जिन अचीव किया, जो आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँगा, तो ये तो हो गया, आपको इस तरह कुछ एक टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको पहली बात ही पता होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आप और जो चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स एक टाइम टेबल बनाएं और उनको वो टाइम टेबल फॉलो कराएं, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग जो एटीट्यूड है वो कहीं से भी नुकसान उसको नहीं। अब बात करते हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है भैया इसका, वो ये कि भैया ये फ्री टाइम है, इस फ्री टाइम के अंदर आपके पास कोई काम नहीं है बच्चों, तो जब कोई काम नहीं है तो आप इस फ्री टाइम के अंदर आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आपको किसी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है, टॉप करना नहीं है आपको भी फिलहाल, आपको कोई प्रेशर नहीं है, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, हालांकि देर आर मैनी कुक से हर हुई बात, लेकिन कुछ रिलैक्स हो अभी हाँ, और अभी कुछ पीरियड तक चलेगा ये चीज़, तो उस पीरियड में आप काम कर सकते हैं। ध्यान रखना, अंडरस्टैंड, मगिंग अप गलत है, अंडरस्टैंड टॉपिक ये बताया गया, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है। थिंकिंग कहने का ये मतलब है कि आप जब तक अपने किसी भी टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ रहे हो या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हो, आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो, और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वही आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो जो आपका दिमाग में चल रहा है उसके बारे में आप अवेयर हो, तो आप कहीं ना कहीं फोकस अपनी बढ़ा सकते हो, मतलब कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, फोकस रहने का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो, और इसको निश्चित इंटरवल में आप बढ़ाइए। जितने डिग्री ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा होगी, फोकस ज़्यादा होगा, वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये बात गांठ बांध के मान लीजिए कि भैया इस टाइम में आप
फोकस पे काम करेंगे, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको तल्लीनता से उसके बारे में सोचिए, समझना, फिर सोचना, ताकि आप खुद से क्या उसके बारे में सोचते हो। किताब में लिखा हुआ उसको तो आपने समझ लिया, लेकिन आप क्या सोचते हो अगर उसको, अगर आपने इस तरह का आपने अगर एटीट्यूड डेवलप कर लिया, तो भैया आपने ये जो पीरियड है आपका कम्प्लीटली वेस्ट नहीं किया। जब आप इस पीरियड से बाहर निकलोगे तो आप कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन के बाहर निकलोगे, और आपके सर्वाइवल के चांसेस आने वाले कॉम्पिटिटिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये पीरियड आपके 15 साल या 12 साल बाद आपके पर्सनैलिटी को जज करने वाला है। बी अवेयर ऑफ दैट। आखिर में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं कि ऑनलाइन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। सिंस होमवर्क मैं दे रहा हूँ कैजुअली, तीन चार दिन के डिफरेंस के अंदर छोटी क्लासेस को अलग अलग दे रहा हूँ और बड़ी क्लासेस को एक साथ एक छोटा सा जंप दे रहा हूँ, ताकि उन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़े। और सिंस अपना जो सेशन भी अब शुरू हुआ है, मई में शुरू होने का होता है, तो उसके हिसाब से ही पहले मैं थोड़ा हल्का फुल्का दे रहा था। अब ऑनलाइन का भी पूरा मैं जो कंटेंट है वो भी तैयार हो रहे हैं, वो कपल ऑफ डेज में वो भी तैयार हो जाएंगे, इनफैक्ट कल या परसों ही उम्मीद है। और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बुक्स का भी आ गया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा हर सेशन के अंदर तो क्या करते हैं कि ये जो इनिशियल मे का जो मंथ होता है उसके अंदर बहुत बेसिक और स्लो पढ़ाई चलती है, और वापस जब जून में स्कूल चालू होती है और वो शुरुआत अपनी वहीं से होती है, पिकअप गाड़ी करती है। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि पेरेंट्स से इंटरेक्शन करके, अगर ये कहीं से भी हिंट मिलता है कि लंबा लॉकडाउन चलेगा, तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भैया मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा, इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक चैनल बनाऊँगा जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब कि जो करंट ऑनलाइन चल रहा है मटेरियल, जो ऑनलाइन मटेरियल जो आपको आएगा, उसके अलावा मैं आपको कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आए, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और सेफ रहें। गवर्नमेंट द्वारा जितने भी नॉर्म्स दें उसको पालन करें, ध्यान रखना, COVID-19 के सिम्टम्स जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं, होने के बाद भी नज़र नहीं आते हैं, इसलिए टेक इट फॉर ग्रांटेड, कुछ भी नहीं लेना है। और बाकी चीज़ हम पे छोड़ दीजिए, हम आपके बारे में पूरा सोच रहे हैं और सही वक्त पे हम आपको आपके कंटेंट के साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन का वेट करिए, उसके बाद में आपको एक रेगुलर पीरियड ऑफ लेंथ पीरियड तक रेगुलर आपको असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड अगर कुछ देना होगा आपको वीडियो, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। और जाते जाते मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वो ये कि अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।